आज हम कुछ ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो हम बचपन में देखा करते थे, खाया करते थे, और आज 2024 में उन चीजों का क्या हुआ। तो बड़ी यूनिक वीडियो है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिडेट स्पिनर को ऐसे घुमाया होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे घुमाते तो कैसे? आप ये जो मैग्नेट से खेलते थे, ये आपकी जान लेने के इतने करीब थे। इसको देखिए, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो इस वीडियो को 3 गिने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। एक कर दो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब मार दो भाई। 2016 फिडेट स्पिनर, 2017 के आसपास फिडेट स्पिनर हर जगह पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। यानी कि हर कोई बच्चा इसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन इसे भी कई बिल्कुल भाई बहुत ज्यादा खेला है। और ये मतलब महंगा आता था उस वक्त, हमें तो बहुत महंगा लगता था, लेकिन लोगों के पास देखा तो हमारे पास भी भाई हमें खरीदना ही पड़ गया। जगह पर बैन किया गया था, हाँ यकीन नहीं होता है, लेकिन ये 3 साल से छोटे बच्चों के लिए इसे ऑलमोस्ट हर जगह पर भाई ये नहीं पता था कि ये बैन किया गया था। धीरे धीरे हमारे इसमें से आदत हट गई थी, मतलब बोर होने लग गए थे हम इससे। बैन हो गया था ये तो नहीं पता, देखते हैं यार। पर बैन किया गया था क्योंकि इसमें ऐसे कंपोनेंट है जो अगर थोड़े भी निकल जाते हैं तो गले में फंस सकते हैं और काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर 15 स्नैक टाइम कैबेज पैच किड, भाई ये तो नहीं देखा भाई, क्योंकि हम सरकारी स्कूल वाले भाई, ये प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चों के लिए उनके पास होता होगा भाई, हमारे पास तो नहीं था। ये एक ऐसा टॉय था जिसमें एक पैकेज का टुकड़ा था और ये टॉय उसे खाता था। आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार कैबेज खिला सकते थे, लेकिन इसके जो जॉ हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, और ऑब्वियसली इसे खाने के टुकड़े और बच्चों की फिंगर में फर्क नहीं पता चलेगा, और इसी वजह से ये कई बार बच्चों की फिंगर को भी बाइट कर देते थे और उन्हें काफी चोट लगती थी। तो इस सही था भाई, हमारे पास नहीं था ये, इसलिए भी इसे बैन किया गया। नंबर 14 लॉन डार्ट्स, ये ऐसे खिलौने थे जिसे हम खेला करते थे और अभी भी ये मिलते हैं, लेकिन पहले जैसे हाँ ये तो था, बट ये जितना बड़ा दिखा रहा है इतना बड़ा नहीं था। मतलब ये दिवाली के पटाखे होते थे और उसको ऐसे फेंकते थे हम लोग, इस तरीके से फेंकते थे और सीधा जाके गिरता था, फूट जाता था। बेसिकली वो जो रील होती है ना, उसमें जैसे बंदूक में फोड़ते थे वो होता था। अब ये क्या देखते हैं, पहले जो लॉन डार्ट मिलते थे उनमें नुकीले पॉइंट होते थे जो कि काफी शार्प थे, और जाहिर सी बात है बच्चों को चोट लग सकती है, और फेंकते समय अगर किसी की आंख में लग गई तो अंधा हो सकता है, इसीलिए एक सॉफ्ट अल्टरनेटिव से इसे चेंज कर दिया गया। ऐसे ही यार्ड डार्ट पे आते हैं जो कि काफी ज्यादा सिमिलर ही थे। नंबर 13 कैंडी सिगरेट, बचपन में ये कैंडी आप इसे कई लोगों ने टेस्ट की होगी, ये बिल्कुल सिगरेट जैसी दिखती थी, लेकिन ये एक्चुअली में कैंडी होती थी और इसका बॉक्स बिल्कुल सिगरेट के बॉक्स जैसा दिखता था। भाई किया तो है बट याद नहीं आ रहा, क्या आपने किया है कमेंट में लिख के जरूर बताना। द एडवेंचर ऑफ कैप्टन अंडरपैंट्स, ये कॉमिक बुक थी जो कि हो सकता है आप में से भाई ये बंदा प्राइवेट स्कूल वाला लग रहा है, क्योंकि सारी खोज इसने वही की है। वो संतरे की गोली वाला थंबनेल आपने देखा होगा ना, वो हम दोनों को कनेक्ट हो रहा है राइट। कुछ लोगों ने बचपन में पढ़ी हो, ये काफी ज्यादा पॉपुलर थी, पर इसमें जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा शरारत करता था, ऐसे लोगों का मानना है, और इसी वजह से इस बुक को अब बच्चों के बीच ज्यादा सर्कुलेट नहीं किया जाता। पहले ये लाइब्रेरी लेक्चर्स में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब नहीं देते, और इसमें एक गे कपल भी थे जिसकी वजह से लोग इसे अवॉइड ही करते हैं। स्मॉल हाई पावर्ड मैग्नेट, यार मैग्नेट से तो हम सब ने बचपन में खेला है, लेकिन अभी जो मार्केट में खेलने वाले मैग्नेट मिलते हैं उन्हें काफी ज्यादा रेगुलेट करके बेचा जाता है, यानी कि ज्यादा पावर फुल मैग्नेट को खेलने के लिए नहीं दिया जाता, पर पहले ऐसा नहीं था और इस चीज की वजह से काफी यस 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 ये फोटो देख के, ये जो दिख रहे ना ये दो वाले भाई, ये तो हमने यूज किए और वाकई में बहुत पावरफुल होते थे, ये तो है। प्रॉब्लम हो जाती थी अगर कोई पावरफुल मैग्नेट खा लेता था और वो मुंह में टूट जाता, या फिर वो 2 से ज्यादा मैग्नेट खा लेता था तो पेट में जाकर ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। यार खाने का तो नहीं पता भाई, कभी खाया तो नहीं है, क्योंकि उसको तोड़ा भी नहीं था, तोड़ के हम फेंक देते थे यहाँ वहाँ चिपकाते थे, भाई बच्चे खा भी जाते होंगे, कोई भरोसा नहीं है। हम काफी ज्यादा खेलते थे स्लैप ब्रेसलेट, हम स्कूल में फ्लेक्स करते थे क्योंकि स्केल की तरह भी ये कनेक्ट हुआ ना, ये हमारे वाले से कनेक्ट हुआ, इससे बहुत खेला है हमने। यानी कि ये नॉर्मल स्केल ही होती थी, लेकिन स्लैप करके आप इसे अपने हाथ में पहन सकते थे, पर इसे फिर भी बैन कर दिया गया। आप देखोगे अब ये बहुत कम मिलती है। भाई बैन कर दिया गया या सीजन ही खत्म हो गया इसका, मतलब कोई अब चाहता ही नहीं इससे खेलना, क्योंकि फोन वोन आ गए आजकल, तो बैन नहीं हुए खत्म हो गया, मतलब इसका मतलब एक दौर ही खत्म हो गया इन सब चीजों का। फिर ना के बराबर मिलती है क्योंकि ये बच्चों के हाथ पर निशान छोड़ जाती थी, और इसके जो शार्प एजेस होते थे वो सच में काफी ज्यादा लग, और आपको याद होगा छोटे थे तब हमें इसे डर भी लगता था। 6 लेजर पॉइंटर, लेजर तो अभी भी मिलते हैं। ये आई चीज काम की हमारे, ये यूज किया है हमने, ऐसे मारते थे लोगों को परेशान करते थे, दूर तक जाता था बहुत,
यहाँ बैठे हैं तो अपने सामने वाले स्कूल पे मार रहे हैं, दीवारों पे मार रहे हैं, पेड़ों पे मार रहे हैं। लेकिन पहले जो लेजर पॉइंटर्स मिलते थे, कई बार उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा पावरफुल होती थी, और इसी वजह से उन पावरफुल लेजर पॉइंटर्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इसे खेल रहे हैं तो वो काफी ज्यादा रिस्क में होते हैं। जैसे कि कई बार बच्चे लेजर को गलती से आंख पर मार देते थे, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। नहीं 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 भाई, इतना ताकतवर नहीं होता था, हम तो पास में ऐसे करके अपनी आंखों में मार लेते थे, नहीं इतना पावरफुल नहीं होता था। चलो ठीक है, और इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लेजर को बंद कर दिया गया, और पहले के मुकाबले अब कम फ्रीक्वेंसी वाले लेजर बनाए जाते हैं। तो आप भी नारंगी टॉफी देख करके आए होंगे, और आपको बहुत सारी चीजें लेकिन रिलेटिव मिली होंगी, रिलेटेड आपने यूज किया होगा बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों को नहीं किया होगा। प्राइवेट में पढ़ते होंगे तो सारा समझ में आ रहा होगा, सारा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, सरकारी में पढ़ते हैं तो फिर उनको भी आधा समझ में आ रहा होगा, मतलब आधा आधा बांट लो आप। लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई नहीं गई, जैसे कि ऐसे करके जो बातें थे, संतरे वाली गोली आज भी बिकती है, बसों में बिकती है, रेल में बिकती है, ख़त्म तो नहीं हुई है बट अब लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा। काली वाली गोली आती है जो इमली की तरह खट्टी खट्टी होती है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही मज़ेदार होगी या गोश्त वाली वीडियो होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।